नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। सरकार के कंट्रोल में 4 लाख मठ मंदिर, जेब में लाखों का चढ़ावा, फिर भी अशुद्धता में ईश्वर का धाम। तिरुपति बालाजी का लड्डू विवाद थमने का नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि लड्डू प्रसादम में सुअर की चर्बी का इस्तेमाल भक्तों के गले से नहीं उतर रहा है। भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित तिरुपति बालाजी का धाम, जिसकी हिस्ट्री आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है, एक ऐसा तीर्थ स्थल जहां प्राचीन काल से भक्तों को बालाजी के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। हर घड़ी हर दिन यहां आंखों देखी चमत्कार होते हैं। मंदिर के चौखट से प्रसाद ग्रहण करके बालाजी के भक्त अब तक खुद को धन्य समझते आए हैं, लेकिन इन लड्डू प्रसादम को अपवित्र करने की साजिश ने ना सिर्फ देखिए तिरुमाला की प्रतिष्ठा को कलंकित किया है, बल्कि इन भक्तों की आस्था को भी कुचलने का काम किया है। और शायद यही कारण है कि अब देश के शंकराचार्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। दरअसल गौ को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए देशव्यापी अभियान चला रहे ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती तिरुपति लड्डू विवाद को लेकर अत्यधिक क्रोधित दिखे। गौ ध्वज स्थापना भारत यात्रा के दौरान शंकराचार्य ने साफ शब्दों में इस बात का ऐलान कर दिया कि अब आस्था से किसी भी तरह का घृणित अपमान सहा नहीं जाएगा, और न सिर्फ धर्म स्थलों से सरकारों का दखल खत्म होना चाहिए बल्कि गाय को राष्ट्र माता बनाए जाने की भी उन्होंने जरूरत समझाई। दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की और ये बताने की कोशिश की कि अगर अब गौ के लिए आवाज नहीं उठाई गई तो कल गाय के देसी घी की बजाय गाय की चर्बी से ईश्वर को भोग लगाना शुरू हो जाएगा। देखिए इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा। तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट के द्वारा जो भोग प्रसाद बनाया जा रहा है, लड्डू विशेष करके, वहां का लड्डू विश्व में प्रसिद्ध है, सब लोग आते हैं, लाखों की संख्या में प्रतिदिन लड्डू बना करके लोगों के द्वारा प्रसाद के रूप में उसको खरीदा जाता है और ले जाया जाता है। उस लड्डू में पिछले 5 वर्षों 19 से लेकर के 24 तक की बात उन्होंने कही है और बताया है कि 5 वर्षों तक जिस घी का प्रयोग किया गया है, असल में वो घी नहीं है बल्कि वो चर्बी है पशुओं की, बछड़े की भी, उसमें बछड़े का भी अंश है और मछलियों का तेल भी शामिल है। ये बहुत घोर आपत्ति की बात है। करोड़ों करोड़ जो हिंदू हैं, सनातन धर्मी हैं, उनको धर्म भ्रष्ट करने की ये चाल हमको दिखाई देती है और ऐसा लगता है कि ये जैसे तरह तरह के षड्यंत्र चलते हैं हिंदुओं को उनके धर्म से वंचित करने के, उसी तरह की ये कोई चाल है जिसके कारण हिंदुओं को इस तरह की चीज प्रसाद के माध्यम से खिला दी गई। भगवान को ऐसी अभक्ष्य पदार्थ का भोग लगाया गया और उसको प्रसाद के रूप में वितरित किया गया। लाखों लोगों ने इतने दिनों में, वहां तो लाखों लोग रोज ही पहुंचते हैं, 5 साल के अंदर जाने कितने सारे लोगों ने इस तरह के प्रसाद को स्वीकार किया है। हमारे पास जब से ये सार्वजनिक हुई है बात, जाने कितने जगह से फोन आ रहे हैं कि हमने भी वो प्रसाद खा लिया है, हम क्या भ्रष्ट हो गए, हम क्या अपवित्र हो गए, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तो जो हमारे हिंदू लोग हैं सनातनी, जिन्होंने उस प्रसाद को स्वीकार कर लिया है, खाया है किसी न किसी रूप में, सबसे पहले हम उनके लिए कहना चाहते हैं कि देखिए हमारे यहाँ ये नियम है कि अगर कोई धोखे से आपके साथ कुछ खिला पिला दे आपको, या बलपूर्वक खिला पिला दे, तो वो न किए के बराबर होता है। सर्वान बल कृतान अर्थान अग्रतान मनोरब्रवीत, जो इस तरह से आपकी इच्छा के विपरीत कोई आपको कुछ खिला पिला देता है, उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो न किए के ही बराबर होता है। लेकिन फिर भी आपके मुंह में अभक्ष्य पदार्थ चला गया है किसी न किसी कारण से, उसकी शुद्धि के लिए आप पंचगव्य माने गौ माता का जो दूध है, घी है, दूध है, दही है और गोबर और गोमूत्र है, इसका एक अनुपान होता है, उससे पंचगव्य बनता है। उस पंचगव्य का प्राशन करने से शरीर के अंदर जो पाप घुस गया है वो समाप्त हो जाता है। जैसे आग में ईंधन डालो तो ईंधन जल करके खाक हो जाता है, उसी तरह से प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्यग् निरेवेंधनम, जो अस्थि में, त्वचा में, मांस में पाप घुस गया है, वो पाप पंचगव्य के प्राशन से निकल जाता है। इसलिए सबसे पहले तो लोग जो जिनके मन में ये शंका है कि हमने ये खा लिया अब क्या होगा, वो लोग पंचगव्य का प्राशन करके अपने पाप को दूर करें, निष्पाप हो जाएं। और दूसरे हमारा ये कहना है कि ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है, इसलिए इसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं तत्काल एक बड़ी कमेटी बनाई जानी चाहिए और जांच की जानी चाहिए और कड़े से कड़ा दंड
करोड़ों सनातन धर्मियों के साथ ये छल किया गया है, उनको भ्रष्ट करने की कोशिश की गई है, इसको सामान्य नहीं समझा जाता है। ये मतलब किसी की हत्या कर देने से भी बड़ी चीज है, इसलिए तत्काल जांच करके दोषियों को सामने लाया जाए और उनको लटका दिया जाए। बहुत कड़ा दंड, इतना कड़ा दंड दिया जाए कि दोबारा वो उदाहरण बन जाए, कोई इस तरह का काम करने की फिर हिम्मत ही ना कर सके। और तीसरे, ये तो तत्काल की बात है, लेकिन जो इसके पीछे बात निकल करके आती है वो ये है कि जो सरकार है ये धर्मनिरपेक्ष है, तो धर्मनिरपेक्ष सरकारें अगर धर्म स्थानों में रहेंगी तो उसका यही परिणाम होगा जो तिरुपति में हमको दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो धर्म के रहस्य को नहीं जानती हैं, इसलिए धर्म के स्थानों से ये तिरुपति की घटना हम हिंदुओं को जागरूक करती है ये समझने के लिए कि अब धर्म स्थानों में सरकार का प्रवेश हटाया जाए और धर्माचार्यों के जिम्मे वहां की व्यवस्था दी जाए। ये करना होगा, अगर पूरी तरह से नहीं हो सकता है तो जो वहां की व्यवस्था का पार्ट है उस व्यवस्था के पार्ट में सरकार रहे, वहां का पैसा गिनने के लिए, वहां का हिसाब रखने के लिए वो रहे, हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन वहां का जो धार्मिक नियम है, कौन भोजन बनाएगा, किन चीजों से बनेगा, कैसे भोग लगेगा और वहां पे पूजा कैसे होगी, कब क्या होगा, धार्मिक जितना मामला है उसमें सरकार का दखल इस घटना के बाद किसी दशा में स्वीकार नहीं किया जा सकता। और इसके लिए जन जागरण की आवश्यकता होगी, न्यायालय में जाने की आवश्यकता होगी या जो भी आवश्यकता होगी। हमने अन्य शंकराचार्य महानुभावों से भी अनुरोध किया है इस बारे में, उनका भी जो परामर्श है, जो उनके विचार हैं, वो भी हम लोग संग्रहित करेंगे। जैसी आवश्यकता होगी वो हम लोग करेंगे। आपको हम बताना चाहेंगे कि ये तिरुपति देवस्थानम में जो कुछ हुआ है, इसी रास्ते पर हमारा बद्रीनाथ केदारनाथ जा रहा है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर में अभी पिछले थोड़े दिनों पहले एक प्रस्ताव पारित हुआ है और उसमें यह कहा गया है कि परंपरागत रूप से जो लोग भोग बनाते हैं, परंपरागत रूप से जो लोग वहां पर पूजा आदि करते हैं, व्यवस्था करते हैं, उनको हटा करके सीधी भर्ती की जाएगी। जनता में से कोई भी आएगा तो जनता में से जब कोई भी आएगा तो उसके क्या विचार होंगे, वो तो नौकरी करने के लिए आएगा, नौकरी के साथ साथ अपना विचार भी लाएगा, कोई थूक करके खिलाएगा, कोई मूत करके खिलाएगा, कहने में अच्छा नहीं लगता है लेकिन जो सच्चाई है वो कहना पड़ रहा है, तभी समझ में आएगा। तो क्या हमारे भगवान को ऐसा भोग लगेगा? इसलिए वहां पर परंपरा को तोड़ा जा रहा है। जो हमारे डिमरी परिवार हैं, जिनको आदि शंकराचार्य जी ने वहां की पूजा और भोग का काम सौंपा है, अब उनको हटा करके उनकी जगह पे सीधी भर्ती करने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। इसका मतलब है कि वहां ये चाहा जा रहा है कि यहाँ पर भी इसी तरह से हो जैसे तिरुपति में हो रहा है और इसी तरह से हमारे देश के दूसरे मंदिरों में भी हो रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं हिंदू भाइयों से कि आपके साथ बहुत बड़ा छल हो रहा है, आप तत्काल इस बारे में जागरूक होइए। मंदिरों में धर्म के जानने वाले धर्माचार्यों का व्यवस्थापन चलना चाहिए, वहां से सरकारें हटें, कम से कम धार्मिक मामलों से तो हट ही जाएं, व्यवस्था के मामले में, वहां सुविधा बनाने के मामले में भले रही जाएं, हम उससे इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन धार्मिक मामलों में इस घटना के बाद किसी भी दशा में सरकारी दखल हम स्वीकार नहीं करेंगे। और दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि हम लोग जो गौ माता की बात उठा रहे हैं, आज इस घटना के माध्यम से ये भी स्पष्ट हो गया कि इस देश में अगर गाय पूजी जाएगी तो गाय का घी हमको मिलेगा, जिसके द्वारा लड्डू बना करके हम भगवान को भोग लगा सकेंगे, और अगर गाय मारी जाएगी तो उसकी चर्बी ही हमको मिलेगी, उसी चर्बी से हम भोग लगाएंगे। तो भारत के लोग इस बात को समझ लें कि क्या वो गाय को मार करके उसकी चर्बी से भोग लगाना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है, या फिर गाय माता को राष्ट्र माता के रूप में प्रतिष्ठित करके उनके घी से शुद्ध व्यंजन बना करके भगवान को भोग लगा के उसका प्रसाद स्वयं स्वीकार करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी घटना है, किसी भी दशा में इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है, और जो इसके पीछे हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, अब जांच करके उसको सामने लाने की आवश्यकता है और कड़े से कड़ा दंड उसको दिए जाने की आवश्यकता है। हम आप लोगों के माध्यम से जो आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, उनको धन्यवाद कहना चाहते हैं कि इतने बड़े रहस्य से उन्होंने पर्दा उठाया जिससे हमको इस बात की जानकारी हो सकी। हम पूछना चाहते हैं वहां के ट्रस्टियों से, तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट से, कि आप लोग वहां पे बैठ के क्या कर रहे हो,
वहां के पुजारियों से भी पूछना चाहते हैं कि आपने इतना सब होता रहा 5 साल तक, आपको भनक क्यों नहीं लगी, और अगर भनक लगी थी तो आपने उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया। ये कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो पुजारी से हो, चाहे वो वहां के ट्रस्टी हो, चाहे सरकार वहां की हो, जिन लोगों का भी इसमें दोष है उसको स्पष्टता मिलनी चाहिए और उसको कड़ा से कड़ा दंड मिलना चाहिए, यही हमारा कहना है।